राम राम दोस्तों, आज मैं ऐसे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनकी जरूरत आपको लाइफ में पड़ती ही पड़ती है। फ्रेंड, पता नहीं कौन सी टिप्स आपके कब काम आ जाए, कब आप अपने कामों को आसान तरीके से कर पाए। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए, तो जरूर देखिएगा। फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक मेरा होने वाला है प्रिंटेड कपड़े को लेकर, यानी कि जब हम इस पे प्रेस करते हैं प्रिंट वाले कपड़े पे, तो जब प्रेस करते हैं तो जिसका प्रिंट होता है कपड़े का ना, वो प्रेस पर चिपक जाता है, प्रेस भी खराब कपड़ा भी खराब। तो जब भी आप प्रेस करें प्रिंट वाले कपड़े पे, कोई अखबार का कागज या फिर कोई भी बुक का कागज रख लीजिए, आप पेपर रख लीजिए, फिर आप प्रेस कीजिएगा, प्रिंट वगैरह इसका कपड़े का नहीं निकलने वाला है। और देखिए फोल्ड करने का भी तरीका आप देख लीजिएगा, कितने अच्छे से मैंने इस टी शर्ट को फोल्ड भी कर लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो जो इसकी फोल्डिंग होती है ना, बिल्कुल भी नहीं खुलती है और देखने में भी सुंदर लगती है, कम जगह में भी आ जाती है ये जो टी शर्ट होती है। और देखिए इस तरीके से ये जब आप रखेंगे तो बिना खोले इसकी फोल्डिंग नहीं खुलने वाली है। फ्रेंड, नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है ये भी। देखिए हमारे घरों में ना कार्डबोर्ड के टुकड़े अक्सर आपने देखी होंगी, कभी कुछ सामान आता है, कभी टीवी आ गया, कभी कूलर आ गया, कभी फ्रिज आ गया, कुछ ना कुछ मतलब आता ही है। तो इस तरीके के कार्डबोर्ड के टुकड़े हमारे घरों में रहते रहते हैं, तो ये आइडिया आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि जो हमारे बच्चे सब होते हैं ना, वो बार बार ना रफ कॉपी खरीदने की बहुत ज्यादा जिद करते हैं, क्योंकि भर जाती है, कुछ तो वो फाड़ देते हैं और कुछ वो इधर उधर कुछ का कुछ लिख लिखा के वैसे खराब करते रहते हैं, फिर नई कॉपी की डिमांड करते हैं। तो देखिए आप जीरो कॉस्ट में एक राइटिंग पैड बनाकर तैयार कर सकते हैं, यानी कि राइटिंग बोर्ड बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, आपने भी इसी तरीके से बना लेना है। तो जीरो कॉस्ट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, घर में पड़े हैं बेकार कबाड़ से ही, बड़ा ही यूजफुल होता है। फ्रेंड, जब भी बच्चे आपके स्टडी करने के लिए बैठे, राइटिंग करने के लिए बैठे, तो उनको दे दें, और इस पर ना ऐसा होगा ना, वो लिखते भी रहेंगे और मिटाते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार इस पे लिख दिया तो मिटेगा नहीं, मिटेगा भी उतनी आसानी से और लिखा भी इससे बहुत अच्छे से जाएगा इसी के ऊपर। अब देखिए इसको जब मिटाना होगा, आपने करना क्या, एक सूती कपड़ा लेना है और उसको पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ के रखना है, यानी कि पानी नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा हल्का सा गीला होना चाहिए। इस तरीके से आप इसके ऊपर घुमाएंगे तो जो भी लिखा हुआ होगा वो मिट जाएगा, फिर दोबारा से राइटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे घर में हमारे बच्चे की चप्पल आई हुई थी, तो बिना बच्चे को ले जाए हुए मार्केट से चप्पल लेके आ गए, घर में पता चला कि ये तो छोटे हो रहे हैं, अब मार्केट लौटाने जाओ, इतनी झंझट कौन करे। फ्रेंड, अगर आप भी बिना बच्चे को संग ले जाए बच्चे के शूज सैंडल चप्पल खरीदने जाते हैं, तो देखिए पैर का ना आप मेजरमेंट लेके जाइएगा घर से। इस तरीके से आप किसी भी डोरी से, धागे से, कपड़े से पैर का मेजरमेंट लेके जाएंगे ना, तो वहां दुकानदार को दे देंगे आप इसे ले जाकर, तो आराम से दुकानदार आपके बच्चे के पैर के नाप के जूते चप्पल दे देगा आपको। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा, चार्जर को लेकर होने वाला है। जब भी कहीं जाते हैं तो संग में चार्जर हमारे जाता ही जाता है, चाहे कुछ जाए ना जाए। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से और रख देते हैं। अब हम रख देते हैं लेकिन इसका जो वायर होती है ना, फिर से खुल जाती है दोबारा से। अब और दूसरे सामानों में भी अटकती रहती है, कभी कभी तो उलझ कर इसकी वायर जो होती है ना टूट जाती है। महंगे मोबाइल होते हैं फ्रेंड, तो समझ लीजिए चार्जर भी महंगा होता है, चार्जर आपका खराब हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा पैसे लगा के लेना पड़ेगा। इस तरीके से क्लेचर लगा देंगे इसमें, तो कहीं पर भी रख के लेके जाएंगे, कपड़ों में, बैग में, इसकी वायर वगैरह नहीं खुलेगी और ये जो चार्जर आपका खराब नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने ली हुई है सेफ्टी पिन, बरसात का टाइम चल रहा है, पानी है इधर उधर, तो नमी पकड़ जाते हैं, पिन जो होते हैं ये जंग आ जाता है, कपड़ों में लगाते हैं तो कपड़ों में जंग लग जाता है, और वैसे भी लगाते हैं तो इसका जो पीछे वाला हॉल होता है इसमें कपड़े फंस जाते हैं। तो देखिए नेल पेंट से ना आपको पूरे पिन को कवर कर देना है और उसके पीछे वाले हॉल में नेल पेंट को अच्छे से भरना है ताकि ये लॉक हो जाए। अब देखिए इसे जब सुखाने के बाद आप लगाएंगे कपड़े में, तो ना तो जंग लगेगा और ना ही कपड़े में फंस जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक कैंची है, ये हो गई एकदम बेकार, यानी कि कुछ भी इससे कट नहीं रहा, धागा तक भी नहीं कट रहा था। अब एक कैंची को लेकर किसी को बोलूंगी कि इसमें धार लगवा के ला दो, बाजार से जाकर कोई सुनेगा भी नहीं, और किचन के काम तो हम बंद भी नहीं कर सकते। फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको ले लेनी है नेल पेंट, और नेल पेंट से ना देखिए इस तरीके से आप उसको जब रफ करेंगे ना, तो इसकी जो शार्पनेस है ना वो वापस आ जाएगी, आपकी कैंची दोबारा से वर्क करने लगेगी। कुछ समय तक आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकती हैं, फिर बाद में बाजार जाकर इस पे मतलब के धार लगवा के ले आइएगा, इसे तेज करवा लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मेरा रोटी बनाने को लेकर। जब हम रोटी बनाते हैं किचन में, लोई बनाते हैं फटाफट से इस तरीके से बेलन पे, मतलब के बेलन से जब हम बेलते हैं चकले पे रख के, तो चकला बड़ी जल्दी जल्दी भागता है, कभी इधर कभी उधर, एक रोटी बनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। या फिर ऐसा होता है ना, जब ये
आगे पीछे होता है ना ये चकला हमारा, तो रोटी की देखिए शेप कैसी हो जाती है, कभी फट जाती है कभी चिपक जाती है, मतलब रोटी हमारी बनती नहीं है ढंग से। अगर बनती भी है तो बहुत ज्यादा टाइम में एक रोटी बेल पाते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेनी होगी नेल पेंट, और नेल पेंट इसके तीनों पैर पे आपने लगा देनी होगी। वैसे तो कपड़ा बिछाते हैं लेकिन कपड़े को कौन बार बार वॉश करेगा, और अखबार भी बिछाते हैं तो अखबार भी बाय चांस ना हो हमारे पास तो फिर क्या करें फ्रेंड। अब नेल पेंट तो एक ऐसी चीज हो गई है कि एक बार उसे आप इसे लगा दो और हमेशा के लिए आपकी छुट्टी, बार बार इसे लगाने की जरूरत नहीं है, और जब ये सूख जाए तब आप इसे यूज कीजिएगा अपने चकले को। आप नोट करेंगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं फिसलता है, ना आगे फिसलेगा ना पीछे, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर रहने वाला है। देखिए मैं आपको रोटी सेक कर दिखा देती हूँ। मैंने तो भाई अपना काम आसान कर लिया है, मेरे को तो टेंशन नहीं होने वाली, ना ही मेरी रोटी बनाने मुझे दिक्कत होने वाली, सूख चुका है। देखिए मैं रोटी बेल के दिखा देती हूँ आपको कितने अच्छे से वर्क करने वाला है। नेल पेंट का कमाल देखिए फ्रेंड आप, देखिए बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा है ये, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, जहां पर आप रखोगे वहीं पर रखा रहेगा आराम से जो चकला है, और आप फटाफट से रोटियां बेल सकते हो। आपको एक रोटी बनाने में कुछ ही सेकंड लगेंगी ना कि मिनट। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। एक बार नेल पेंट लगा के छोड़ दीजिए फ्रेंड, सूख जाएगी, यूज कीजिए इस चकले को, और फिर मतलब कि आपकी जो नेल पेंट है कम से कम 6 महीने साल भर तक उतरने वाली नहीं, अगर उतर भी जाती है तो दोबारा से नेल पेंट लगा दीजिएगा। लेकिन आपकी रोज की जो टेंशन है मेहनत है वो तो, टेंशन भी खत्म हो जाएगी मेहनत भी बच जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास है फोन, और फोन चलाना किसको पसंद नहीं होता, हम लेडीज से हो या घर में कोई भी हो, भाई मोबाइल सब चलाते चलाते हैं, लेकिन हम लेडीज का काम किचन का होता है तो हम किचन में भी इसको चला के देखते रहते हैं। अब स्लेब पे लगा के खड़ा करते हैं दीवार से, तो ये बार बार गिरता रहता है जिससे कि इसका शीशा वगैरह चटक जाता है, आप देख भी पा रहे होंगे इस मोबाइल का शीशा चटक चुका है। तो दो क्लेचर आपने लेने हैं, दोनों साइड में लगाने हैं, आपका 0 कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा, मोबाइल गिरने की चिंता नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैंने ली हुई है क्लॉथ के लिए, और देखिए चम्मच ली हुई है दो, और दो तीन रबड़ ली हुई है मैंने, इन चम्मच को मैं इस क्लॉथ क्लिप के साथ फिक्स करने जा रही हूँ। आप देखिएगा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने कितनी अच्छी चीज बना के तैयार कर ली है। अभी चम्मच हमने इस क्लॉथ क्लिप पे सेट कर देनी है फ्रेंड, ये आपका बन जाएगा 1 0 कॉस्ट में, मतलब के जो चिमटा होता है ना वही बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसा बनेगा ना, इससे आप रोटी सेकिएगा, पराठा सेकिएगा, या फिर आप कह सकते हैं अचार वगैरह भी निकालना चाहेंगे तो वो भी आप इससे अच्छे से निकाल पाएंगे, अच्छे से चीजों को कैच भी कर लेता है। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट आइडिया है कढ़ाई को लेकर। जब भी हम पूरी वगैरह बनाते हैं तो आपने नोट किया होगा इस पे बहुत ज्यादा ऑयल तले पे चिपक जाता है, जल जाती है कढ़ाई, फिर मांजने में हमारे हाथ भी दर्द करते हैं, और काफी सारा हमारा ये जो होता है ना डिश वॉश भी खराब होता है। अब देखिए आपको पूरी बनाने से पहले एक काम करना है, थोड़ा सा गीला करना है कढ़ाई की तली को, और इस पे ना आपको मतलब कि थोड़ी सी नमक इस पे फैला देनी है, यानी कि आपको 4 छन्नी में नमक लेनी है, और नमक को ना आप इस पे परफेक्ट तरीके से मतलब अच्छे तरीके से इस पे इस तरीके से छान दीजिएगा, पूरी तले पे नमक फैल जाएगी। फिर आप जब भी कोई भी ऑयली चीज बनाएंगे चूल्हे पे रख के तो ये बिल्कुल भी इसकी तली ना काली नहीं होने वाली, तेल आएगा भी तो लेकिन ये जो नमक है ना इसके चक्कर से कढ़ाई की तली पर नहीं चिपक पाएगा। जब आप इसे वॉश करोगे कढ़ाई को तो आराम से वॉश भी हो जाएगी, ये आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। छोटी ट्रिक है, आजमा के देख सकते हैं, आपको ही फायदा होने वाला है फ्रेंड। नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है कोलगेट को लेकर। जब भी कोलगेट थोड़ा सा रह जाता है तो हम क्या करते हैं, दबा दबा के इसके निकाल लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये तो खत्म हो चुका है अब इसको फेंक दें, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं होता है। आप करना क्या, कोई चम्मच या फिर इस तरीके से हेयर पिन लेनी है, और इसे ना आगे की तरफ इसे प्रेस करना है कोलगेट के पाउच को, और देखिए इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ कितना सारा अभी इसमें कोलगेट निकल रहा है। अगर मैं इसे फेंक देती तो वेस्ट ही जाता किस काम का था। अभी 2 से 3 बार हम इसमें से अभी और कोलगेट यूज कर सकते हैं। पीछे की तरफ मैंने पिन लगा दी है, अब पीछे की तरफ जो कोलगेट है इसमें खिसक कर नहीं जाएगा, आराम से यूज कर लेंगे कोलगेट। चिमटा लिया है, चिमटे के ऊपर मैंने पोलोथीन लगा दी है, और देखिए यहाँ पर मैंने पोलोथीन क्यों लगाई है मैं बताती हूँ आपको, मैंने सेट कर दी है, रबड़ लगा दी है। अब इससे ना हम अपनी जो ये बोतल होती है ना इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, क्योंकि बोतल के अंदर हमारा हाथ वगैरह नहीं जाता है, और इसमें पानी वगैरह रखा रहता है, बोतल में पानी पीते ही हैं तो इसमें ना जो पानी की हार्डनेस होती है ना वो जम जाती है, अंदर व्हाइट व्हाइट सी बोतलें हो जाती हैं, तो क्लीन करने में बड़ी दिक्कत सी होती है। सबके पास ब्रश नहीं होते हैं भाई के ब्रश से इसे क्लीन कर लें,
लेकिन ये तो आप किसी भी तरीके से घर में जुगाड़ करके बना सकते हैं और अपने घर में सारी बोतलों को क्लीन कर सकते हैं। आपकी बोतलें नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। आशा करती हूँ ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर देखिए पोलोथीन और ली हुई है। अब इसको मैं लगाने वाली हूँ पोलोथीन को मिक्सी पर, क्योंकि मिक्सी रखी रहती है किचन में, खाना बनाते हैं तो भाप उड़ती है ऑयल की, तो ये रखी रखी गंदी होती रहती है, अभी गंदी नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक शेयर करनी है। मेरे हाथ में चोट लगी थी, कांच लग गया था फ्रेंड, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी काम को करने में, और खासकर कपड़ों को धोने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और बर्तनों को धोने में तो, क्योंकि हाथ में जो भी हम साबुन सर्फ यूज करते हैं वो लगता रहता है। तो आपने करना कि अगर आपके हाथ में चोट वगैरह लग जाती है तो कोई भी पॉलिथीन आपने घर में से ले लेनी है इस तरीके की, अपने हाथ पे पहन लेनी है, रबड़ लगा लेनी है, फिर आप कितने भी कपड़े धोइएगा आपके हाथ में ना तो साबुन लगेगा ना सर्फ लगेगा, और जो आपके हाथ का घाव है वो भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। जब पानी में नहीं भीगेगा तो आराम से आपकी चोट जो होती है ना वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप आराम से अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम काम को पेंडिंग रखते हैं, जैसे कपड़े 2-4 दिन के हम इकट्ठे कर लें, तो फिर जब हम 5वें दिन को क्लीन करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाती है फ्रेंड। तो काम को पेंडिंग करने से अच्छा है कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने काम को डेली के डेली खत्म कर लिया जाए। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है, आप इसे यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। कभी आपके हाथ में चोट लग जाए, घाव वगैरह हो जाए, तो तब ये पोलोथीन ना हमारे बहुत काम आती है। तो मैं ना इन पोलोथीन को ना हमेशा संभाल कर रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, भी पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इनकी, तो इसलिए मैं इनको संभाल के भी रखे रहती हूँ। अब देखिए वॉश बेसन साफ करना होता है या फिर बर्तन वगैरह भी साफ करने होते हैं हमें, तो हम ना आराम से इनको साफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पोलोथीन रहेगी तो ये अच्छे से हम क्लीन भी कर पाएंगे, हमारे हाथ में दिक्कत वगैरह भी नहीं होगी। ग्लव्स हम सभी के पास नहीं होते हैं, तब आप पोलोथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स से आप कर सकते हैं क्लीनिंग हाथ में पहन के, लेकिन मेरे पास तो नहीं है फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मैं पोलोथीन पहन के अपने काम आसान कर लेती हूँ। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। देखिए हमारा तो हाथ भी नहीं भीगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने लिया हुआ है कंघा, और इस कंघे में मैं ना क्या कर रही हूँ, ब्लेड लगा रही हूँ। ब्लेड को लगाना मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी हमें ना जो हमारे घर में टेप होती है ना, टेप को ना कट करना पड़ता है, और टेप को कट करने के लिए हमारे पास ना टेप कट करने वाली मशीन भी नहीं होती है, और हम जल्दबाजी में इस तरीके से हाथ से फाड़ते हैं, फिर कैंची से काटते हैं ना, तो कैंची से सही से कटती है, टेढ़ी मेढ़ी कटती है, और हाथ से तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तब आप ये वाला टूल बनाकर रखेंगे ना बहुत काम आएगा आपको, और ये बहुत अच्छे से टेप को कट भी कर देता है फ्रेंड। बस हाँ ये है कि आपने ना इसको बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे थोड़े से नासमझ होते हैं, बच्चों को नहीं देना है इसे यूज करने के लिए, लेकिन ये है कि हाँ आप इसे इमरजेंसी में बनाकर रखिएगा, यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ एक ये छोटा सा पाउच रखा था मेरे घर में, तो मैं इसे फेंकने जा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो इसे कुछ यूज कर लेते हैं, क्या किया जाए इसका। तो मतलब ऐसा होता है ना हमारे घर में ना, हम लेडीजों की एक आदत बड़ी बेकार होती है, हम जब भी अपने हेयर बनाते हैं, जहां पर भी बाल बनाते हैं खड़े होकर वहीं पे गिराते रहते हैं, चाहे ड्रेसिंग के पास बनाते हैं, ड्रेसिंग टेबल के पास बनाए खड़े होकर, या फिर कहीं पर भी, और जो बाल होते हैं ना बस उसको वहीं से कंघे से निकाले और वहीं पे फेंक दी, जो किचन तक भी पहुंच जाते हैं, घर में फैले फैले फिरते हैं, तो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है फ्रेंड, ऐसा ना करें। बस जहां पर भी आप बाल बनाते हैं अपने बैठ कर या खड़े होकर, वहां पर आपने ना दीवार पे ये चिपका के रखना है, जब भी आपके हेयर टूटे आप बाल फेंकने नहीं जाना चाहती है बाहर, तो इसमें जमा करते रहे, फिर जब भर जाए तो इसे खाली करके डस्टबिन में फेंक दे, दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है कप्स को लेकर। कप सभी घर में यूज होते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी टूटते हैं, हम इनको थोड़े से संभाल के नहीं रखते हैं और बर्तनों के साथ रखे रहते हैं, तो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड आपने करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपको कप को सेट करना है, ये देखिए इस तरीके से, तो ये एक जगह पर रखे भी रहेंगे, कम स्पेस भी लेंगे, और ये इधर उधर गिर के मतलब के चटकेंगे भी नहीं। यहाँ पर ली हुई है मैंने चूड़िया, वेलवेट की चूड़िया फ्रेंड सभी पहनती हैं लेडीज से, बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन ऐसा होता है ना इसको हम अगर वॉश करने लगे तो इसका वेलवेट भी उतरता है, इसका कलर भी खराब हो जाता है। अब ये हमें साफ भी करनी होती है नहीं, वरना इसमें जो जम्स होते हैं ना वो पनप जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में वैसे पसीना वसीना आता रहता है, तो पसीना इनमें भी लगता है फ्रेंड, गंदी हो जाती है। तो आपको टेलकम पाउडर लेना है और इनके ऊपर डाल देना है इस तरीके से, देखिए आपकी चूड़ियां बदबू फिर भी होंगी और इनमें जम्स वगैरह भी नहीं आएंगे। यहाँ पर ली हुई मैंने एक शीशी, तो ऐसा होता है ना कभी कभी किसी भी शीशी का जो ढक्कन होता है ना बड़ा कस के फंस जाता है, और उसको जब हम खोलते हैं तो खुलता नहीं है, हमारे हाथ में भी दर्द हो जाता है लेकिन ढक्कन नहीं खुलता है, अब क्या करें। इसके लिए छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, आपको लेनी होगी 1 क्लॉथ की क्लिप, लोहे की है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो इससे भी काम चला सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब आप घुमाएंगे ढक्कन को, तो जो इसका ढक्कन है आराम से
खुल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप्स। यहाँ पर मैंने ली हुई एक शर्ट, शर्ट पे कर रही हूँ मैं प्रेस। प्रेस तो सभी को करनी आती है, लेकिन ऐसा होता है ना, जब हम कपड़े पे प्रेस करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है, और बार बार जो हमारी गर्म प्रेस होती है ना, वो इसके बटन वगैरह पे टच होती रहती है। अब बटन पे टच होगी तो आप सभी को पता है फ्रेंड, गर्म प्रेस है, बटन पे अगर लगेगी तो बटन की जो शाइनिंग होती है ना, वो खराब हो जाती है धीरे धीरे, हम ध्यान नहीं देते हैं। और थोड़ी सी जो रौनक आती है, मतलब के शाइन आती है शर्ट में, तो वो बटन से ही आती है। बटन की मतलब के अहम भूमिका होती है शर्ट की सुंदरता को बढ़ाने में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपने करना है कि जब भी आप प्रेस करें तो जहां पर बटन है वहीं पर आपको चम्मच रख देनी है और प्रेस कर लेनी है। प्रेस जो होगी चम्मच से टच होगी, लेकिन बटन पर नहीं लगेगी, जिससे कि आपके बटन खराब भी नहीं होंगे, हमेशा शाइन करते रहेंगे। तो आराम से मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिए फ्रेंड। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।